माता जी, आप छोटे रूप में अपना परिचय दे सकती हैं? परिचय ऐसे कि शालिवाहन का जो खानदान था, उस खानदान के हम हैं। और हमारे पिता और माता दोनों ही गांधी जी के परम भक्त थे। और हमारे पिता अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और उसके बाद पार्लियामेंट वगैरह सब के मेंबर थे। माता भी हमारी ऑनर्स मैथमेटिक्स में थी। और हमारे अब एक भाई साहब जो है वो अपने कैबिनेट के मिनिस्टर भी। लेकिन असल में आध्यात्मिक रूप से हमारे माता पिता हमें पहचानते थे कि हमें कोई विशेष बात है। और हमारा विवाह हो गया, नहीं तो हम मेडिकल कॉलेज में पढ़ते थे लाहौर में, और लाहौर में गड़बड़ी शुरू हो गई तो हमारा विवाह हो गया। और जिनसे विवाह हुआ वो भी एक बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, उनका नाम है डॉक्टर सीपी श्रीवास्तव। बाद में वो जाकर के लंदन में स्थित एक यूएन की एक संस्था है जिसको कि आईएमओ कहते हैं, इंटरनेशनल मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन, उसके सेक्रेटरी जनरल चुन गए। 134 नेशंस ने उनको चुना। वो हमारे पति हैं और फिर उन्होंने रिटायरमेंट ले ली। हमारे दो बच्चे हैं और एक लड़की जो है उसका बिहार में विवाह हुआ है, वो राजेंद्र बाबू के रिश्तेदार हैं। अच्छा, ज़्यादातर हम देखते हैं कि भारत से आते हैं योगी महर्षि लोग, ज़्यादातर ये पुरुष हैं, आप अकेली एक महिला हैं, आप ये इस बात को विशेष देखते हैं भी? हाँ, क्योंकि ये कार्य महिला ही कर सकते हैं, पुरुषों के बस का नहीं। श्री राम आए तो वनवास चले गए, श्री कृष्ण आए तो वो थोड़े दिन में वो भी खत्म हो गए। उसके बाद में उनको जब गुस्सा आता था तो अपना सुदर्शन चक्र चलाते थे। ईसा मसीह आए तो वो क्रूस पे लटक गए। मोहम्मद साहब आए तो उनको जहर दे दिया। इस प्रकार जो एक बच्चों को संभालने की सूझबूझ है वो तो माँ को ही आ सकती है। और जिसे हम कहते हैं कि धैर्य, इसके अलावा बच्चों के साथ जो सबूरी से रहना चाहिए वो तो माँ ही जान सकती। अच्छा, आपके इन दिनों क्या क्या कार्य हैं? इन दिनों यही हम करते हैं कि हर एक देश में जाना और वहाँ पर सहज के बारे में बताना। और आजकल के ज़माने में ऐसा कोई विशेष स्वरूप आ गया है कि हर एक देश में हजारों की तादाद में लोग परमात्मा को खोज रहे हैं। वो चाहे परमात्मा को खोजें, चाहे वो सत्य को खोजें, बात एक ही। तो उनको राह दिखाने वाला कोई नहीं, सब लोग उनके, सबको मालूम है कि ऐसा बाजार लग गया है, मार्केट हो गया है, तो सब पैसे बनाने पर लगे हुए हैं। असलियत बात यह है कि असलियत पाने के लिए आप कुछ नहीं पैसा ऐसा दे सकते, उसको आप खरीद नहीं सकते, ये आपके अंदर की शक्ति है जो जागरूक करती है। अच्छा, हम तो कर्म योग जानते हैं, ज्ञान योग, भक्ति योग, तंत्र योग, आपने सहज योग का नाम लिया है, इसकी क्या विशेषता है? इसकी विशेषता ये कि सब योगों का ये तत्व है। कर्म योग, कृष्ण ने कहा कि आप अपना कर्म करो, पर कृष्ण जो थे वो डिप्लोमैट थे, सीधी बात नहीं करी उन्होंने। सोचा कि ये सब टेढ़े दिमाग के हैं तो टेढ़ी उंगली चलानी चाहिए। तो उन्होंने जो बात आपसे कही कर्म योग की, उसमें एक खास बात उन्होंने कही कि कर्मण्ये वा अधिकारस्ते फलेषु मा कदाचिन। एक बात तो ये कह दी कि कर्म हम कर सकते हैं, फल की अपेक्षा नहीं कर सकते। और दूसरा उन्होंने कहा कि जो भी कर्म करो वो मुझे आप समर्पित करो, ये हम कर नहीं सकते क्योंकि हमारे अंदर अहंकार है। हम कोई भी कर्म करते हैं तो ये नहीं सोचते कि ये परमात्मा पे छोड़ दिया जाए, कल कोई मर्डर करेगा वो भी परमात्मा पे छोड़ देगा। उसमें ही एक खूबी है कि मतलब ये कि आप परमात्मा से पहले संबंधित हो जाओ, उसके बाद आप यही कहेंगे, कुछ कर्म ऐसा ही करेंगे कि जो अकर्म हो जाएगा। आप कुछ भी करेंगे आपको लगेगा नहीं कुछ आप कुछ कर रहे हैं, हो रहा है। ये जब स्थिति आए, इस स्थिति पर उन्होंने बात की थी। पर और भक्ति पर भी उन्होंने कहा कि पुष्पम फलम तोयम, जो भी हमें दो हम ले लेंगे, पर देंगे क्या, इस पर ही उनकी खूबियां हैं। उन्होंने ये कहा कि देने के वक्त में कि
संस्कृत मध्ये शब्द माहिती आहे मलाही, मराठी हिंदीत सूचना पत्र कवी कवी हिंदी भाषा. जो भी जरा सा बंद कर दिया ये दिमाग में आ जाए. लेकिन इतना विस्तार पूर्वक वैसे तो हम पश्चिम देशों में कर्म योग जानते हैं, भक्ति योग, ज्ञान योग, तंत्र योग, ये सहज योग का नाम आपने लिया है, इसकी क्या विशेषता है? इसकी विशेषता है कि सब जितने भी योग हैं सब इसमें अंतर्हित हैं. मतलब ये कि सहज योग से जब तक आपका संबंध परमेश्वर से नहीं होता है तब तक सब भी योग व्यर्थ है. उसमें से कर्म योग कृष्ण ने बनाया, भक्ति योग बनाया, ये दोनों हैं. उसमें उन्होंने इशारा किया है कि तुम्हारा मुझसे संबंध होना चाहिए. पहले कहा कि तुम जो कार्य करो मुझ पर छोड़ो, वो हम छोड़ नहीं सकते, ये सहज योग के बाद होता है. फिर दूसरी बात उन्होंने भक्ति कही कि अनन्य भक्ति माने जब दूसरा कोई नहीं होता, ये भी सहज योग के बाद ही हो सकता है. क्योंकि जब तक आपका उनसे संबंध नहीं होता है तो आप कोई सा भी कर्म करें वो आप अपने ही ऊपर लेंगे. फिर तंत्र योग जो है, तो तंत्र योग जो है उसमें हम भी तंत्र ही इस्तेमाल करते हैं. तंत्र माने ये कि हमारे अंदर जो मैकेनिज्म है उसको तंत्र कहते हैं. तो उसी मैकेनिज्म को इस्तेमाल हम करते हैं, पर जो तांत्रिक होते हैं उनको इसके बारे में कुछ मालूमात नहीं और वो सब गलत सलत काम करते रहते हैं. हम तांत्रिक नहीं हैं पर हम तंत्र विद्या में बात कर रहे हैं, क्योंकि चक्रों की बात है, उसके जो तीन चैनल्स हैं उनकी बातें हैं. अब इस पर किसी ने लिखा नहीं, ये बात तो नहीं, सबने कहा है सहज समाधि लागो. किसने कहा? आप जानते होंगे कि जो कहा गया है गुरु नानक ने, कबीर हैज सेड इट एंड आल्सो गुरु नानक. गुरु नानक ने तो बहुत कुछ कहा लेकिन कबीर ने इस पे कहा कि ईड़ा पिंगला सुखमन नाड़ी रे, ईड़ा पिंगला सुखमन नाड़ी रे, शून्य शिखर पर अनहद बाजी रे. सब बात अनहद. अब अनहद जो है वो स्पंद करके आपके आदि शंकराचार्य ने कहा. तो ये जो सबने जो बातें कही हैं उसका पूरा अनुभव, उसका पूरा निवेदन, एक्सप्लेनेशन आपको सहयोग के बाद होता. जब तक आपका संबंध नहीं हुआ, समझ लीजिए टेलीफोन में आपका संबंध नहीं है, कनेक्शन नहीं, आप किसको फोन करे जा रहे हैं? सहज योग, एक मिनट स्टॉप. सहज योग में आसन, प्राणायाम, ये सब बातें चलती हैं? जी नहीं. आपके अंदर जो कुंडलिनी है वो जागृत होती है और छह चक्रों में से गुजर करके अंत में तालु भाग से निकल के और इस सारे और जो चैतन्य सृष्टि उससे काकारिता प्राप्त करती है. लेकिन अगर समझ लीजिए आपको कोई शारीरिक तकलीफ है, आपकी अगर कोई रीढ़ की हड्डी गड़बड़ है तो हम उसको आसन बता सकते हैं. पर सब आसन सब लोग करें तो ऐसे ही हुआ कि जैसे एक मेडिसिन बॉक्स में से सब लोग सारे मेडिसिन ले. सबका एक शास्त्र होता है, नियम होता है और उसके अनुसार हमने देखा अभी तक तो हमने किसी को कोई आसन बताया ही नहीं. अच्छा, ये कुंडलिनी का नाम आपने लिया है? हमारे प्रोग्राम के बाद जाता ये होता है. तो साधक क्या करता है जो आसन नहीं लेता या प्राणायाम नहीं करता? सहज है ना, उसमें कुछ करना नहीं, उसमें रमना है. असल में जैसे एक बीज को आप बो देते हैं तो ये पृथ्वी माता उसमें से अंकुर निकाल करके उसका वृक्ष बना देती. इसी प्रकार कि आपकी जो बीज है उसमें ये कुंडलिनी एक समझ लीजिए अंकुर स्वरूप है और वो जागृत हो जाती है. हो जाने के बाद वो अपने आप अपना रास्ता ढूंढती है और जब आप कुछ करने लग जाते हैं तब आप में बैलेंस आ जाता है. कुछ करना नहीं,
पर निर्विचारिता में उतरना चाहिए। जो पहली स्थिति निर्विचारिता की है, जो आप प्राप्त कर सकते हैं, जैसे समझ लीजिए कि हर समय विचार करते हैं तो या तो पहला विचार करते हैं या आगे का विचार करते हैं, तो या तो हम भूत में या भविष्य में रहते हैं और दोनों चीजें नहीं है, भूत खत्म हो गया और भविष्य है ही नहीं, तो जो वर्तमान है इसके अंदर उतरने के लिए कुंडलिनी ही कार्यान्वित होती, तब कोई विचार नहीं रहता, आप निर्विचार समाधि में बैठते हैं और आपकी उन्नति होती रहती, अनेक आपके अंदर जो जो भी शक्तियां सब जागृत हो जाती। दूसरे योगों में, योगिक परंपराओं में मैं पढ़ता हूँ सुनता हूँ कि कुंडलिनी शक्ति से बचना चाहिए, वो खतरनाक भी हो सकता है, साधक को मार भी सकता है या पागल कर सकता है। ये बहुत गलत बात है, न कभी ऐसा हो सकता है, क्योंकि कुंडलिनी आपकी स्वयं माँ, आपकी अपनी माँ है, वो आपके बारे में सब कुछ जानती है। जब आप पैदा हुए थे तो आपकी माँ ने सारा दुख अपने ऊपर उठाया, आपने तो कोई दुख नहीं उठाया। ये बहुत गलत बात कहनी है, ये ऐसे लोग कहते हैं जिनको ये कार्य नहीं आता और जो नहीं चाहते कि लोग सत्य की ओर जाए। तो सहज योग एक व्यक्ति का जीवन कैसे बदल सकता है? सब तरह से बदल सकता है। एक तो उसकी शारीरिक स्थिति एकदम ठीक हो जाती है। अब आपसे मैंने बताया मेरी उम्र 71 साल की है और रोज करीबन सफर करते हैं, कुछ नहीं, हम आराम से बैठे हुए। इसी प्रकार आपका जीवन जो है, एक तो बहुत सशक्त हो जाता है और बहुत सारी चीजें जिससे आप पहले पीड़ित रहते हैं वो बीमारियां ठीक हो जाती हैं। कैंसर की बीमारी ठीक हुई है इससे, बहुतों की, बहुत सारी बीमारियां ठीक हो जाती हर तरह की। अब एक तो शारीरिक स्वास्थ्य, फिर आपको मानसिक स्वास्थ्य मिलता है। बहुत से लोग हैं उनमें डिप्रेशन होता है, किसी में कुछ और तरह की जैसे एपिलेप्सी आदि वगैरह, लूनसी, वो तक ठीक होती है, सहयोग से वो तक ठीक होती है। फिर आपके जो आंतरिक इच्छा है, हमेशा एक साधक चाहता है कि परमात्मा को प्राप्त करे, उसकी शक्ति को प्राप्त करे और उसकी और बहुत मेहनत करता है, वो प्राप्ति हो जाती है। तो आपके शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक भी, ऐसे बच्चे हमने देखे जो पढ़ने में बहुत कमजोर थे वो फर्स्ट आने लगे, क्योंकि आपकी बुद्धि जो है उसके अंदर जब कुंडलिनी आती है तो वो प्रकाशित कर देती है। इस प्रकार आपकी बुद्धि भी बड़ी प्रगल्भ हो जाती, आपका जो चित्त है वो बहुत स्थिर हो जाता है, एकाग्र हो जाता है और बहुत ही इनोसेंट हो जाता है। अच्छा, तो सहज योगी एकांत भी बैठ सकता है या ग्रुप में इसको कर सकते हैं? एकांत में भी बैठना पड़ता है उसको, लेकिन अधिकतर ग्रुप में उसकी प्रगति ज्यादा होती है, क्योंकि एक दूसरे की लेन देन अपो आप हो जाती, इसलिए इसको सामूहिकता में आना चाहिए। क्योंकि जैसे है, आप कहिए कि एक छोटा सा बिंदु सागर में मिल गया तो वो सागर हो गया, फिर सागर के साथ चलना चाहिए, सागर से अलग हट करके तो चलेगा नहीं। किंतु वैसे घर में भी ध्यान धारणा करनी पड़ती है, 10 मिनट, ज्यादा नहीं, 10 मिनट की ध्यान धारणा, जैसे कि कोई स्नात होता है इसी तरह से वो नहा लेता है जिससे कि सफाई हो जाए, क्योंकि ये सारा जो कार्य है ये निर्मल तत्व का है, प्यार का निर्मल तत्व जो है उससे आदमी इतना शुद्ध हो जाता है, एकदम जिसे खालिस कहते हैं। आधुनिक समाज में हम देखें तो हर तरह की कठिनाइयां सामने आती हैं, जैसे विश्व में भूख से लोग मरते हैं या लड़ाइयां होती हैं या जातिवाद बढ़ता जाता है, तो इस पर सहज योग का क्या जवाब है? बहुत बड़ा असर है। सबसे पहले तो जातिवाद वगैरह मनुष्य भूल जाता है, क्योंकि वो विश्व बंधुत्व उसमें आ जाता है, वो सोचता है कि दूसरा कौन है, हम सब एक हैं। अब हमारे यहाँ शादियाँ होती हैं हर साल 90-80 शादियाँ होती है, कोई इधर से लेकर के वहाँ कहीं भी शादी हो जाएगी और सब लोग बड़े आराम से, इनकी फैमिली लाइफ अच्छी हो गई, इनको बड़े प्यारे प्यारे बच्चे हैं और बहुत शुद्ध है अंतकरण के, इन्होंने ड्रग्स छोड़ दी, शराब छोड़ दी, सिगरेट छोड़ दी, मैंने कुछ नहीं कहा, अपने आप ही सब छूट जाता है। जैसे कि हाथ में कोई सांप अंधेरे में लेके बैठे और जैसा दिया आ जाए उसे छोड़ देता है, इस तरह से ये लोग बिल्कुल शुद्ध हो करके बैठ गए। तो ये एक मनुष्य ही से सारे प्रश्न है ना, आपके राजकीय हैं, आपके जितने भी प्रश्न हैं संसार के, वो मनुष्य की वजह से। जिस वक्त में मनुष्य ठीक हो जाएगा तो सब प्रश्न ठीक हो जाएंगे। लेकिन कठिनाइयां इतनी बड़ी हैं, और सहज योग मैं अपने बारे कहूं तो कल ही सुना, नहीं तो, पता नहीं क्यों अनभिज्ञ रहे, ये बहुत पुराना शब्द है,
बहुत पुरानी यह है, लेकिन पहले इसको जरा सा गुप्त रखा जाता था, इसलिए आपने नहीं सुना होगा। पर ये चीज सहज का मतलब तो यह है कि जो सहज, ऐसे भी आप हिंदी में समझते हैं सहज, पर सहज माने आपके साथ पैदा हुआ, ये योग का अधिकार आपका है, इसे आपको प्राप्त करना। सहज हम समझते हैं अपनी भाषा में हाँ, कि सहज माने आसान, आसान, आसान। वही बात बस। और समाज में भी कठिनाइयां हैं, हर तरह की समस्याएं हैं, जैसे लोग पागल हो जाते हैं, यहाँ पश्चिम देशों में बहुत दौड़ते हैं उसको भौतिक जेने भौतिकता भौतिकता बहुत है या, उसको। और हर तरह की फैमिली प्रॉब्लम्स है, छुट्टी छुट्टा हो जाते हैं पति पत्नी में। अब तो नया एक समझ लीजिए कि नया नई रेस तैयार हो रही है, एक नए तरह के लोग जो ये सब चीजों से परे हैं, ना तो फैमिली के प्रॉब्लम्स है, ना ही उनके सोसाइटी के प्रॉब्लम्स है, ना ही किसी चीज के, क्योंकि मनुष्य ही ये सब प्रॉब्लम करता है। एक एक घटक, अगर मनुष्य ठीक हो जाए और वो सब एक घटक हो जाए तो प्रश्न क्या रह जाएगा। अब हमारे यहाँ देखिए 65 देशों में, अलग अलग देशों में ये कार्य हो रहा है, और ये लोग मिलते हैं जब 4-4, 5-5 हजार लोग, कभी मैंने इनको झगड़ा करते नहीं देखा, कभी मैंने कोई आर्ग्यूमेंट करते नहीं देखा। हाँ, एक दूसरे को चुगल जरूर है, लेकिन वो तो यही मजाक के लिए, सब आनंद में रहते हैं बिल्कुल। अच्छा, आप नारी हैं, औरत हैं, आप हमारी बहनों के प्रति कुछ संदेश दे सकती हैं जो अपने हक पर इस समय आगे चल रहे हैं? नारियों के लिए संदेश ये है कि हमारे संस्कृति ने नारियों पे बहुत बोझा डाला, उन्होंने धर्म को संभाला, उन्होंने अपने घरों को संभाला, अपने बच्चों को संभाला, अपने पतियों को संभाला है। उससे आज भी हम कह सकते हैं कि जैसा समाज हिंदुस्तान में है वो कहीं आपको नहीं मिले, फिर वो चाहे मुसलमान, हिंदू, ईसाई, कोई भी हिंदुस्तान के सिख लोग हैं, उनके भी यहाँ अमन शांति है, वो औरतों ने बना रखी, ये औरतों का कार्य है। औरत जो है ये पृथ्वी तत्व के जैसी होती है, जो सब चीज़ को बर्दाश्त करके भी फिर से उसको प्लावित करती है, और मनुष्य जो है वो सूर्य के जैसा है, तो सूर्य का ताप सहन करना और उस ताप से दूसरी चीज़ों को उत्पन्न करना, ये सारा कार्य पृथ्वी तत्व करती है। इसी तरह स्त्री बहुत शक्तिशालिनी है, और हिंदुस्तान की स्त्री को तो लोग बहुत ही शक्तिशालिनी समझते हैं, यहाँ तक कि कहा जाता है कि यत्र नार्या पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता, जहां नारी पूजनीय हो और पूजी जाए वहीं देवता बैठते हैं। अच्छा, लेकिन हम यहाँ पश्चिम देशों में आकर हम हिंदुस्तानी कुछ अपनी संस्कृति वो सब छोड़ती जगह हो जाते रहा है, हैं। वो सब जगह हो रहा है, हाँ, इस पर आपका क्या मत है? वो सब जगह हो रहा है। हिंदुस्तान में भी कोको कोला कल्चर कहते हैं, वो भी थोड़ा थोड़ा शहरों में आ गया है, लेकिन फिर मुड़ जाएगा, क्योंकि इसकी जब दुष्टता दिखाई देगी और इसकी तकलीफें दिखाई देंगी तो लोग मुड़ जाएंगे। हमें अभी चाइना के मिले थे कल्चरल अटैशी, वो बता रहे थे कि चाइना में बहुत कोको कोला कल्चर आया और अब बदल रहा है, लेकिन तो भी हमारे अंदर ऐसी ठोस चीजें हैं कि वहां हम नहीं बदल सकते, काफी ठोस चीजें। अच्छा, हमारी भारतीय संस्कृति की क्या विशेषता है? सबसे बड़ी बात यह है कि ये धर्म पे आधारित है, धर्म माने जिसको कहना चाहिए मोरालिटी, कि मनुष्य को जो है नैतिक बंधन बहुत है, नीतिमत्ता बहुत जरूरी चीज है, और वो नीति यहाँ छूट गई, इन देशों से नीति छूट गई तो इनका कल्चर क्या हो। और अपनी जो संस्कृति है उसमें नीति सबसे बड़ी चीज है, किसकी नीति कैसी है, तरह तरह के उदाहरण हैं इस पर, तरह तरह के। अच्छा, हाँ, और या हाँ, इस सवाल को हम फिर बादल करेंगे, वो बादल शोर मचा रहा है। अच्छा, जी जी ठीक लीजिएगा। श्री माता जी, भारतीय संस्कृति की क्या विशेषता है? विशेषता यह है कि अपनी भारतीय संस्कृति
ये नीतिमत्ता पे आधारित है। नीति बहुत बड़ी चीज है, अनीति अपने संस्कृति में मानी नहीं जाती। और यहाँ की संस्कृति में नीति अलग है और उनकी संस्कृति अलग है। संस्कृति में कुछ भी नीति की बातचीत नहीं। जैसे मुझे आश्चर्य हुआ कि एक लेडी से मैंने बात करी तो अंग्रेज थी, मुझे बहुत पढ़ी लिखी, तो कहले ये तो हमारे हमारे संस्कृति में है कि औरतें अपने बदन को ज्यादा खोल दें। मैंने कहा भाई कैसी संस्कृति इनकी है। तो इस प्रकार इनकी संस्कृति में नीति नहीं। पहली चीज जिसमें नीति नहीं है वो क्या संस्कृति होगी। इसलिए हिंदुस्तानियों को चाहिए कि अपनी नीति को जकड़ के रखें और अपनी संस्कृति को जकड़ के रखें, क्योंकि बाद में सभी लोग उसमें आने वाले हैं, तो क्यों बह जाए। अब ये लोग हैं देखिए बिल्कुल हिंदुस्तानी नीति पर चल रहे अपने आप से, क्योंकि आत्मा का उसमें अंश है, आत्मा का प्रकाश उसमें हमारी संस्कृति बनती। हमारी संस्कृति आई है जो बड़े बड़े अपने यहाँ दृष्टा हो गए, बड़े बड़े संत साधु असली वाले, उनसे आई हुई यह संस्कृति है। और इनकी संस्कृति आई कहाँ से। ईसा मसीह ने जो बातें कही वो तो उसके छदाम भर भी ये लोग नहीं काम कर सकते। उन्होंने जो बात कही है वो सब सहयोगियों का वर्णन है कि तुम्हारे आंख में भी ऐसे भाव नहीं होना चाहिए कि जिससे कोई आप दूषित भाव से किसी की ओर देखे। इतनी बारीकी तक वो पहुंच गए। और ये यही लोग हैं ईसाई लोग, उनको क्या मालूम। फिर भी हम देखते हैं कि पश्चिमी देशों में गोरे जात भारतीय आध्यात्मिकता की ओर बढ़ते हैं, हाँ, ये आपको कैसा लगता है? इसलिए बात ये कि हमारे हिंदुस्तान ही ये सोचते हैं कि हम तो सब जानते हैं, लेकिन ये लोग नहीं। ये सोचते हैं कि हम तो डूब रहे हैं और हमारा सहारा यही एक है अध्यात्म। और अध्यात्म में वो कुछ भी करके बेचारा आना चाहते हैं। इसमें बहुत खो भी गए, क्योंकि हमारे देश से भी एक से एक बिलंदर लोग आए, काफी लूटा इनको, बहुत सताया। लेकिन मैं देखती हूँ कि ये जितने गहरे उतरते हैं, जितने गहराई से सजों को पकड़ते हैं, हिंदुस्तान के भी पकड़ते हैं पर बाहर के नहीं। बाहर के हिंदुस्तानी नहीं इतने जोर से पकड़ते सजों को। ये बड़ी क्या बात है पता नहीं मुझे। अच्छा, एक अंतिम सवाल आपसे पूछता हूँ। कहीं मैंने पढ़ा है कि आपको लोग अवतार मानते हैं, आप अपने को खुद कैसे देखती हैं? हम बताएंगे नहीं, हम बताना नहीं चाहते। कुछ तो हम हैं ही, उसके बगैर थोड़ी कार्य हो रहा। लेकिन बात यह है कि अगर आप कुछ बताएं कि हम ये हैं वो हैं तो लोग मारने को दौड़ते। मुझे मरना नहीं है। ईसा मसीह ने कहा कि मैं ईश्वर का पुत्र हूं, इस बात सही थी, वो उसको क्रूसीफाई कर दिया। मोहम्मद साहब को जहर दे दिया। अपने यहां सारे संतों को छल छल के मार डाला। अब आपके बिहार में मैं कहूं कबीर हो गए, बुद्ध हो गए, मैंने बिहार जगह कैसी, मतलब जैनियों के महावीर हो गए और वहां पीर हो गए, सब हो गए। लेकिन उन्होंने कहा कि कबीर ने सुरती कहा कुंडलिनी को, तो वहां सुरती तंबाकू को कहते। बताइए अब क्या कहा जाए। जो उनके बातचीत का, उनके कहने का, उनके उपदेशों का जो विपर्यास कर दिया और जिस तरह से हमने अपने सबको बिगाड़ लिया है, तो बेहतर है कि अभी हम कुछ न कहें। हम कहें आप पहले पार हो जाओ, फिर सूक्ष्म दृष्टि से आप जानो हम क्या है। कहने की कोई जरूरत नहीं हमें, क्या जरूरत है। हम एक स्त्री हैं, माँ हैं, इतना सब। शायद दूसरे पॉइंट ऑफ ला जी सकती जी है ना, शायद आप अच्छा से समझा सके। बात यह है कि यहाँ पश्चिमी समस्याओं में भी हम मिलते जुलते हैं, मतलब डिवोर्स लोग ज्यादा करते हैं ना, डिवोर्स को कहते हैं छुट्टी छुट्टा ना हिंदी में, घटस्फोट कहते हैं जी, मराठी में घटस्फोट कहते हैं, तलाक कहते हैं, तलाक ना, तलाक उर्दू, हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में डिवोर्स, क्या कहते हैं, डिवोर्स हाँ? हम शरणावी में छुट्टी छुट्टी छुट्टा कहते हैं, हम अपनी भाषा में छुट्टी छुट्टा कहते हैं, तो समझ जाएंगे आप। छुट्टी छुट्टा समझते हैं। हमारे लोग सुरीनाम से यहाँ आए इस देश में, हॉलैंड में,
तो यहाँ की समस्याओं में भी वो मिलते उलझ गए। हैं। हाँ, उलझ गए हैं, जैसे छुट्टी छुट्टा ज़्यादा होती हैं और यहाँ का स्ट्रेस जो बढ़ता जाता है, लोग भौतिकता के पीछे दौड़ते हैं। इस पर आपका क्या संदेश है? इसका इलाज सहजयोग है, क्योंकि जब सहजयोग हो जाता है तो आप जान जाते हैं कि आप अकेले नहीं, आपके साथ सब इसी आनंद को उठा रहे हैं। सारी चीज आनंद के लिए, अगर आपको आनंद मिलने जाता है तो आप भौतिकता के पीछे में क्यों जाएंगे? भौतिकता से कोई मतलब नहीं। पर भौतिकता में जो उसका गुण है वो ये है कि जैसे लोग आए और उनको आपको प्यार जताना है तो उन्होंने आपको बिस्किट दे दिया, चाय दे दी, कोई आपको प्रेजेंट दे दिया, ये भौतिकता। भौतिकता का सौंदर्य ये है। और दूसरा उसका अंग ये है कि आर्ट, उसकी जो ये जड़ चीज है इसको किस तरह से सुंदरता से बनाया जाए, ये एक दूसरा उसका बड़ा एस्थेटिक्स जिसे कहते हैं सौंदर्य साधन, वो आप उससे कर सकते हैं। लेकिन जब भौतिकता माने पैसा हो गया तो सभी चीज बिल्कुल विद्रूप हो गई। पर इसका जो संवेदन है ये सहयोग के बाद आता है संवेदन इसका। जैसे अब गंगा के इसकी बनी हुई ये चीजें हैं, ये सहयोगियों के लिए बहुत प्यारी चीज है, क्योंकि उसमें से चैतन्य बह रहा है। जिसमें से चैतन्य बहेगा उसी को सौंदर्यपूर्ण मानते हैं। ऐसे मोनालिसा का जो पिक्चर है उसमें चैतन्य है। बहुत सी जगह जैसे ये है, ये सिस्टीन चैपल, इसमें चैतन्य आ रहा है। जहां चैतन्य आएगा वही सुंदर चीज है, फिर उसको अपनाने की जरूरत क्या, उसका मजा उठाओ। समझ लीजिए ये कारपेट हमारा है तो हमारे लिए सरदर्द है कि इसको इंश्योर कराओ कि क्या कराओ कि दुनिया से, पर अगर आपका है तो हमारे लिए अच्छा है, हम इसको मजा उठा। तो ममत्व छूट जाता है। आपको आश्चर्य होगा रशिया में बिल्कुल लोगों में ममत्व नहीं। गवर्नमेंट ने उनसे कहा कि तुम लोग अपने अपने फ्लैट ले लो और उसको देखो, कहा भाई हमें नहीं चाहिए, हम कुछ ओन नहीं करना चाहते, तुम ही रखो। ये एक कल्पना कि हम किसी चीज को ओन करते हैं, किस चीज को हम ओन करते हैं सब तो यही छूटने वाला है, पर यह सहज से घटित हो जाता है। सारी समस्या। अब आपके घर कोई गरीब लोग हैं, एक चीज और बता अच्छा हाँ, जी हाँ बताइएगा। रवि गरीब लोग, देखिए जैसा हमारा देश है वो श्रेती प्रधान जिसको कहते हैं ना, जैसे खेतीहर लोग अधिकतर खेती खेती प्रधान देश है। सहयोग से क्या होता है कि जो खेती की जो पैदावार है कभी कभी 10 टाइम्स कभी कभी 20 टाइम्स बढ़ सकती है। एक एक सूर्यफूल इतना बड़ा बड़ा निकलता है इस चैतन्य लहरियों से, और बहुत कुछ हो सकता है। तो इसलिए जैसे जो सहयोगी है वो रईस हो, क्योंकि उनके पास सबसे बढ़िया बीज है, उनके पास सबसे पहले पैदावार है और लोगों से वो बहुत बेहतर है। तो जो देश खेतीहरों का है उनके लिए तो सहयोग बहुत कमाल का। दूध भी अपने हिंदुस्तान की गाय ज्यादा से ज्यादा 4-5 शेर दूध देती है, वो करीबन 12 शेर दूध देती है। और हम लोगों को हाइब्रिड सीड नहीं लेना पड़ता, साधारण सीड को ही वाइब्रेट करके करने से सब काम हो जाता। तो आपको किसी किसी कंपनी की गुलामी करने की जरूरत नहीं। इस प्रकार हमारे देश, खासकर हमारे देश का तो प्रॉब्लम हल हो सकता। अनेक चीजें हैं सहयोग में, लोग समझते हैं कि अपने देश में क्या क्या विशेष चीज है, क्या क्या हम बाहर भेज सकते, इसकी एक सूक्ष्म दृष्टि आ जाती है। और इस तरह से आप देखिए कितने अपने देश से लोग बाहर सामान भेज रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, आप लोग भी इस पे खूब पनप जाए, क्योंकि एक सूक्ष्म दृष्टि आ जाती है। हर तरह से मनुष्य की जो व्यक्ति है वो समष्टि हो जाने की वजह से उसमें बहुत कुछ जो विशेष रूप से छिपे हुए गुण हैं वो सारे प्रकाशित होते हैं। बड़े बड़े म्यूजिशियंस सहयोग में हैं, बड़े बड़े आर्टिस्ट लोग सहयोग में हैं, अपने कमांडर इन चीफ साहब भी सहयोग में हैं। तो इस प्रकार मतलब ये चीज ऐसी है, इसको प्राप्त होते ही मनुष्य एक जिसको परम पद कहते हैं उस स्थिति में जाता है। हमेशा हम कहते हैं परम पद दीजियो, ये परम पद है। और तो नहीं रहेगा कोई प्रश्न?